में उतारा गया है, लेकिन तो बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी सूचना न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बताते चले, कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली सूची का ऐलान कांग्रेस की ओर से कर दिया गया। हालांकि निश्चित तौर पर एक लंबा इंतजार करना पड़ा कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इसके साथ साथ टिकटार्थियों को भी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की ओर से दूसरी लिस्ट जारी की गई, कांग्रेस ने भी 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो लगातार कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर टिकटों का ऐलान करेंगे। नवरात्रि की शुरुआत होने के बाद से ही लगातार इंतजार बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी ने जैसे ही दूसरी लिस्ट का ऐलान किया, महज आधे घंटे के भीतर भीतर ही कांग्रेस ने पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया। कुल 35 नाम सामने आ चुके हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। जिताऊ उम्मीदवार का दावा, लगातार 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, लगातार जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को ढूंढने के लिए कवायदे भी की जा रही है। कई दौर की बैठकें कांग्रेस की ओर से की गई, 200 सीटों में से 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस वक्त कांग्रेस की ओर से कर दिया गया है। सहयोगी सौरभ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सौरभ, कुल 33 नाम जिताऊ है क्या ये सभी? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने छोटी लिस्ट जारी करी है जिसकी बनिस्पत बीजेपी ने जो है वो करीब 124 नामों पर मोहर लगा दी, लेकिन जो नाम पहले से चल रहे थे इनके, ये जो नाम कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है इनके नाम पहले से जो है वो चल रहे थे, यानी कांग्रेस ने भी बदलाव जो है वो नहीं किया है। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो है वो देखने को मिलेगी। मालवीय नगर से फिर वही मुकाबला जो 2018 में देखने को मिला था कालीचरण सराफ के सामने अर्चना शर्मा रहने वाली है, अमित चाचान जो वर्तमान विधायक है उनके सामने अभिषेक मटोरिया जो है वो कांग्रेस से मैदान में उतर चुके हैं, कोलायत से मंत्री जो है भंवर सिंह भाटी वो मैदान में है, यानी बदलाव जो है वो ज्यादा नहीं किया गया है। टोंक से सचिन पायलट है, सरदारपुरा से अशोक गहलोत है, कोई भी ज्यादा बदलाव इस लिस्ट में देखने को नहीं मिल रहा है। बड़े नामों की बात करें, नाथद्वारा से सीपी जोशी है जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनको जो है वो मैदान में फिर से उतार दिया गया है, यानी कोई बड़ी बदलाव जो है वो इस लिस्ट में नहीं है। यानी कांग्रेस जो है वो फूक फूक कर कदम जो है वो इस लिहाज से रख रही है कि जो विरोध बीजेपी में देखने को मिल रहा था वो विरोध जो है वो बिल्कुल शायद इसी विरोध की वजह से पार्टी डर भी गई और इसी वजह से ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि पहले तो कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से पर्यवेक्षक बनाए गए, उन्हें मैदानों में उतारा गया, रिपोर्ट सौंपा गया आलाकमान को, लग रहा था कुछ नए और फ्रेश चेहरे आएंगे सामने। हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था, लेकिन जो पहली लिस्ट है उससे तो यही लग रहा है, जो वर्तमान विधायक है उन पर ही पार्टी ने भरोसा जताया, ज्यादा किसी का बदलाव जो है वो नहीं किया है। कृष्णा पुनिया सादुलपुर से जो है वो लड़ेंगी, वो चुनाव पहले भी 2018 से जीती हुई है, मंडावा से रीटा चौधरी जो है वो जीती हुई है, अब नरेंद्र खीचड़ के सामने उनका मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा, ममता भूपेश कल जिस प्रकार से नाम सीएम गहलोत ने संकेत दे ही दिए थे, दानिश अब्रार, मुकेश भाकर, चेतन सिंह डूडी, यानी किसी प्रकार का बदलाव जो है वो कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो विरोध की बात की जा रही थी कि कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद कुछ विरोध हो सकता है, उस विरोध को संबंध थामने की कोशिश जो है वो कांग्रेस ने इसलिए आज से की है कि सब जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ऐसे ऐसे जो है वो लिस्ट की घोषणा जो है वो की जाएगी। बायतू से हरीश चौधरी का नाम जो है वो पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, साथ ही क्या नाम वल्लभ नगर से जो है वो प्रीति गजन सिंह जो है वो मैदान में उतरी हुई है, तो तमाम महेंद्र जीत सिंह मालविया जो लगातार बागीदोरा से जो है वो चुनाव लड़ते आए हैं, कुशलगढ़ से रमीला खड़िया जो निर्दलीय जीती थी पिछली बार उनको मैदान में उतार दिया गया है, यानी किसी प्रकार का बदलाव कांग्रेस ने कम से कम नहीं किया है। हिंडोली से अशोक चांदना का ही नाम जो है वो है, डेगाना से विजयपाल मिर्धा जो ज्योति मिर्धा के भाई हैं उनका जो है वो मैदान में उतार दिया गया है, दिव्या मदेना ओसिया से मैदान में है, किसी प्रकार का बदलाव इस लिस्ट में नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कांग्रेस जो है वो बहुत ध्यान से, क्योंकि जिस प्रकार से लिस्ट आने से पहले ही तमाम जो
प्रत्याशी है उनको संकेत कांग्रेस द्वारा दे दिए गए थे, आलाकमान द्वारा ये संकेत दे दिए गए थे कि आप तैयारी करें, लेकिन अब लिस्ट जो है जारी की है लेकिन वो बहुत छोटी है, यानी अगले 2-4-5 दिन में फिर जो है वो कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन बीजेपी ने बाजी जो है वो मार ली है और बड़ी लिस्ट पहले 41 और अब 83 यानी 100 से ज्यादा सीटों पर जो है वो अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो अब देखना होगा कि बीजेपी में किस प्रकार का विरोध होता है, और चूंकि यहां पर भी कांग्रेस में भी ऐसा उम्मीद थी कि बड़ी लिस्ट जो है वो आएगी, क्योंकि 100 से ज्यादा नामों पर चर्चा हुई थी और ज्यादातर नामों पर सहमति बन गई थी, लेकिन संभावना इसी के विरोध को देखते हुए कि कहीं ज्यादा विरोध ना हो, इस लिहाज से बड़े नाम जो है वो इसमें जारी कर दिए। शांति धारीवाल का नाम नहीं है, ज्यादातर मंत्री जो वर्तमान में मंत्री हैं उनके नाम इसमें हैं, लेकिन शांति धारीवाल का नाम नहीं है। लवली हमारे साथ लगातार मौजूद है, लवली, शांति धारीवाल का नाम इस लिस्ट में नहीं होना किस प्रकार के संकेत दे रहा है? देखिए बिल्कुल आलाकमान को जो ये कह सकते हैं, हालांकि उनकी सीट का ऐलान अभी तक नहीं किया गया, लेकिन शांति धारीवाल की सीट के साथ साथ में दो जो मजबूत मंत्री, तीन मजबूत मंत्री, महेश जोशी, साथ साथ में शांति धारीवाल और इसके अलावा लालचंद कटारिया, तीन नाम अभी रोके गए हैं और अभी 33 की ही लिस्ट आई है, क्योंकि अभी रोकना ही यही कहा जाएगा, टिकट कटना अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि शांति धारीवाल अपने बेटे के लिए मांग रहे थे टिकट और इस तरह की खबरें आई थी कि पुत्र पुत्रियों को टिकट नहीं दिया जाए, बजाय उन्हीं दावेदारों को मैदान में उतारा जाए। लेकिन शांति धारीवाल का नाम काफी चर्चाओं में रहा, मर्द प्रदेश से लेकर को लेकर के वो विवाद में रहे और उन्होंने अशोक गहलोत के लिए झंडा उठाया और पूरी तरीके से विद्रोह, जो कह सकते विरोध जो था, उन्होंने अपने ऊपर लिया। तो अब अशोक गहलोत भी चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले, ऐसी मंशा जो है वो सभी के लिए एक दूसरे के लिए मोहब्बत बताई जा रही है, पायलट भी विरोध नहीं कर रहे हैं, अशोक गहलोत भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पहली लिस्ट के अंदर बिल्कुल 100 नामों पर चर्चा और सिर्फ 30-33 नामों पर ऐलान किया गया है। ये बड़ा इंडिकेशन है कि कांग्रेस को लिस्ट जारी करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी आयुषी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। आयुषी